अगर आपको पीने के लिए 99 में आ रहे हो तो आ जाओ भाई। नूडल्स है ना, बिल्कुल भी खाने लायक नहीं है, स्मेल आ रहा है इसमें से। इसमें भाई 99 के हिसाब से ही काम किए गए, बिल्कुल भी टेस्टी नहीं है। मत ट्राई करना भाई, बीमार पड़ जाओगे। ठीक है, सस्ते के चक्कर में। और ये जो बॉल है ना, बहुत हार्ड है, बहुत हार्ड है। और इसमें चिली पटेटो और नूडल्स में तो नमक बहुत ज़्यादा है, आपको टेस्ट ही नहीं पता लगेगा नमक इतना देर इतना डाला हुआ है। सभी को मेरा नमस्ते, उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत अच्छे से होंगे। दोस्तों आज की जो वीडियो होने वाली है काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है। आज की जो वीडियो होने वाली है चाइनीज प्लेटर की होने वाली है। हम दिल्ली में जो जो फेमस चाइनीज प्लेटर की शॉप है वहाँ पर जाएंगे और वहाँ के जायके बारे में आपको बताएंगे। अभी मैं फिलहाल कोविंटर मार्केट में हूँ, आया हूँ द चाइना डोर में। भाई ये बहुत ही हैपनिंग मार्केट है, यहाँ पे आप बहुत सारे फूड कोर्ट आपको मिल जाएंगे, बहुत सारे फूड जॉइंट मिल जाएंगे। फिलहाल मैं आया हूँ द चाइना डोर पे इनका चाइनीज प्लेटर ट्राई करने के लिए। भाई इन पे एक स्कीम निकली हुई है, ₹5 में 5 कुरकुरे मोमोज, भाई टर्म एंड कंडीशन में है, वो वहाँ जाकर ही हमें पता लगेगा। आइए चलते हैं, इनसे बात करते हैं और इनका आइटम ट्राई करते हैं, आइए। और भैया जी क्या हाल चाल है जी? बढ़िया बढ़िया। बताइए क्या स्कीम है, क्या कॉम्बो है, इसके बारे में बताइए, चाइना डोर के बारे में थोड़ा सा बताइए। चाइना डोर के बारे में सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये हमारा जो चाइना डोर है ये हमारा कोविंटर मार्केट के अंदर है, जो सूरजमल विहार के ए ब्लॉक की मार्केट के अंदर पड़ता है। और सबसे बड़ी बात ये कि चाइना डोर की बहुत सारी ब्रांचेज हैं, जैसे आज की डेट में वसुंधरा में भी है, नोएडा में भी है और जगह में भी है। और हमारा एक मल्टी किचन ब्रांड है ये, जो कि हमारा खड़क सिंह वालों का इनका अपना चलता है। अच्छा, ये फ्रेंचाइजी टाइप में है? फ्रेंचाइजी टाइप है बिल्कुल। लेकिन हमारे यहाँ पे जो बेस्ट क्वालिटीज और हमने कॉम्बोज वगैरह बना रखे हैं स्टूडेंट्स के लिए या फैमिली मेंबर्स के लिए, हमने कॉम्बोज बना रखे हैं जस्ट लाइक दैट। ये एक ये वाला नंबर वन कॉम्बो है हमारा, चिल्ली पनीर और फक्का नूडल और स्प्रिंग रोल कॉम्बो। ये हमारा ₹209 का कॉम्बो, आप यहाँ पे आके खा सकते हैं आराम से। अच्छा अच्छा, ये अपना कॉम्बो 1 कॉम्बो 2 कॉम्बो 2, ये सारे के सारे हमारे कॉम्बो हमने बना रखे हैं अपने कस्टमर के हिसाब से। अच्छा, ये ₹5 के 5 कुरकुरे मोमोस, ये स्कीम बताइए जी। हाँ जी, ये तो सब स्कीम ऐसी है ना कि वो एकदम अट्रैक्ट करेगी ना, कोई भी आएगा कोई भी देखेगा। थोड़ा सा बताइए कि क्या है इसके साथ, कोई टर्म कंडीशन तो नहीं है? नहीं नहीं, इसके एक छोटी सी टर्म एंड कंडीशंस है, जो कि हमारा ये जो बिल है, देखिए हमारा ये जो बिल है इसके अंदर से अगर आप 299 तक का कोई भी परचेज करते हैं, जो कुछ भी खाते हैं 299 के अंदर, तो आपको इसमें आपको ₹5 और एड ऑन करके आप 5 कुरकुरे मोमोज खा सकते हैं। मैं चाइना डोर का कोऑपरेटिव शेफ हूँ। अच्छा अच्छा, मतलब एक पूरे जितने आउटलेट है जो रेसिपी है वो हम लोग ही है, हमारे हेड ऑफिस में रेसिपी फाइनल हुई है, उसके बाद हम ऑल चाइना डोर में सारी एक ही टेस्ट मिलेगा। जैसे यहाँ खाओगे, दिल्ली खाओगे, जैसे नोएडा खाओगे, हर जगह एक ही मिलेगा। भाई ये देखिए, ये 199 का कॉम्बो लगवा लिया है मैंने यहाँ से। देखो कंडीशन ये है कि अगर आप 199 में कुछ आइटम ऐड कर देते हैं, 100 का आइटम ऐड करते हैं, तो आपको ये कुरकुरे वाली स्कीम, ये मैंने केवल आपको दिखाने के लिए ले लिया भाई। ये साइज ये होगा, ये क्वालिटी आपने बनते हुए देखी, अच्छा ऑयल यूज कर रहे हैं, ठीक है। 5 कुरकुरे मोमोज मिलेंगे 299 के बनेंगे, टर्म कंडीशन ये है, ठीक है। ये इनका चिली पनीर है, मतलब मेरे को ना यहाँ पे ना एक हाइजीन और जो ये क्वालिटी दे रहे हैं ना वो मेरे को बहुत बढ़िया लगा। जैसे 199 है, 199 के हिसाब इतने अगर आप नॉर्मल चाइनीज कार्ड पे भी जाएंगे यार, इतना तो आपका हो जाता है। 199 में आपको 3 चीज़ मिल जाएगी, आपको स्प्रिंग रोल मिल जाएंगे, ये आपका पनीर वाला मिल जाएगा, चिली पनीर मिल जाएगा और ये हक्का नूडल्स मिल जाएंगे। चलिए मैं ट्राई करता हूँ, आपको बताता हूँ क्या टेस्ट है। पहले हक्का नूडल्स बिल्कुल भी मसालेदार नहीं है, बहुत ज़्यादा चटपटा हो गया, बहुत ज़्यादा बेकार हो गया, ठीक है। उतनी ही वेजिटेबल है, उतने ही मसाले हैं जितनी नेसेसरी है और टेस्टी है काफ़ी, मेरे को बहुत अच्छा लगा। ऐसा नहीं है, वेजी भी अच्छी खासी डाली हुई है, अच्छी वेजीज डाली हुई है। यह जी इनका चिली पनीर, भाई आप ना इसकी रंगत देख सकते हैं कितना अच्छा लग रहा है, टेस्ट करने का कैसा होगा वो आपको बताता हूँ। पहले ना इसकी ग्रेवी के साथ ट्राई करूँगा, गार्लिक और जिंजर का बहुत बहुत बढ़िया फ्लेवर है, ठीक है। और ये भी अच्छी बात यह है कि इसमें भी ना आपको ना जो स्पाइस फील होगी बहुत हल्की स्पाइस फील होगी, लेकिन बहुत टेस्टी है यार। पनीर ट्राई करेंगे इनका, पनीर की क्वालिटी क्या है यार, सबसे पहले तो मैं पनीर की क्वालिटी देखता हूँ। टॉप, वाह यार पनीर की क्वालिटी है यार। मेन चीज़ तो यही है, मुद्दा तो यही है ना, लोग ना क्वालिटी को छोड़ गए हैं कमाने के चक्कर में। मुझे तो ये जो दोनों आइटम है ना बहुत बहुत बढ़िया लगे, ट्राई किया हुआ पनीर है,
उन्होंने इसके साथ एक बार टेस्ट करके देखता हूँ इसके साथ। जब खाने को ना थोड़ा इंटरेस्टिंग बना लेते हैं, खाने का मजा उसमें है। बढ़िया आइटम है, बढ़िया सौदा इनका यार, ये स्प्रिंग रोल इनका। इसमें भी आपको दिख रहा होगा काफी अच्छी खासी वेजी सेल कर रही है। पर यह है कि जो मेरे को दिख रहा है इसमें मैदे की लेयर ज्यादा दिख रही है, ये मेरे को थोड़ा अलग लगा दूसरी जगह से। बहुत सॉफ्ट है, इतने जबरदस्ती क्रंची किए नहीं किए नहीं गए। भाई कमाल है इनके आइटम, बहुत टेस्टी है, बहुत फ्लेवरफुल है। आप किसी भी आइटम से ना रिग्रेट फील नहीं होगी। यार सबसे जो अट्रैक्शन है ये देखिए, ये मोमोज है, वैसे ही बनाते हैं। आप वेजीज देखिए, ऐसा नहीं है पाँच रुपये पाँच कुरकुरे मोमोज दे रहे हैं तो कट क्रॉस कर देंगे। बढ़िया यार, म्यूनिस म्यूनिस का मेरे को जमता नहीं है, मैंने जाता था ना, ये जो चटनी होती है चटनी मेरे को कमाल लगती है इसके साथ। फुल दम सब है, जरूर से जरूर ट्राई कीजिएगा यहाँ का आइटम। ऐसा हो सकता है कि आपको किसी को ये 199 में भी महंगा लगे, लेकिन जो क्वालिटी है, जो टेस्ट है, जो फ्लेवर है, उसके हिसाब से अगर आपने यहाँ पे ट्राई किया तो बिल्कुल भी बिल्कुल वर्थित रहेगा। दोस्तों अब हम आ चुके हैं एएम फूड्स पर, जहाँ पर चल रहे बहुत सारे कॉम्बो ऑफर। यहाँ पे आपको 69 का भी ऑफर मिल जाएगा, 89 का भी, 100 का भी, 179 का, अलग अलग ऑफर है और बहुत ही रीजनेबल प्राइस पर मिल रहे हैं। भाई हम भी इनका एक कॉम्बो ऑफर ट्राई करेंगे और आपको बताएंगे इसका जाएगा। एएम फूड से हम दूसरा अपना चाइनीज प्लेटर ट्राई कर रहे हैं। ये देखिए 99 का प्लेटर है, 99 के प्लेटर में चिली पोटेटो है, स्प्रिंग रोल, मंचूरियन, इसमें दो मोमोज आ जाएंगे, नूडल्स आ जाएगा, ठीक है, साथ में ये कॉम्प्लीमेंट्री कोक। चलो ये पहले नूडल्स से स्टार्ट करते हैं। भाई नूडल्स है ना बिल्कुल भी खाने लायक नहीं है, स्मेल आ रहा है इसमें से। एक बार मैं इनके चिली पटेटो ट्राई करूँ तो ये बिल्कुल मीठा मीठा सा है, चिली पटेटो बिल्कुल बकवास। ये जी इनका मंचूरियन, इसमें डिवाइड 99 के हिसाब से ही काम किए गए, बिल्कुल भी टेस्टी नहीं है, ठीक है। ऑल एंड ऑल ये प्लेटर मेरे को बहुत बकवास लगा। ये मोमो है, ये वेजीज हैं, इसे ट्राई करो तो मोमोज मेरे को इनके बहुत बढ़िया लगे, बाकी जो इनका आइटम है बहुत बकवास है यार। ये देखिए ये इनका स्प्रिंग रोल है और इसकी क्वालिटी ठीक नहीं लग रही है। ये जो स्प्रिंग रोल है इसमें तो बहुत स्मेल आ रहा है, बहुत गंदी क्वालिटी यार, मत ट्राई करना भाई, बीमार पड़ जाओगे, ठीक है। सस्ते के चक्कर में बिल्कुल भी ट्राई मत करना, बीमार नहीं, बहुत ज़्यादा बीमार पड़ जाओगे यार ये प्लेटर अगर खा लिया तो। ये 99 का प्लेटर बिल्कुल बकवास है, केवल मोमोज के अलावा इनमें कोई सा भी आइटम ऐसा नहीं जो अच्छा हो, वाकई में बहुत बहुत घटिया क्वालिटी दे रहे हैं यार। जरूरी यार 99 से यार थोड़ा सा प्राइस बढ़ा दे, 149 कर दे, ठीक है, मगर वो भर्ती तो करें यार। चिली पटेटो मीठी मीठी से, मंचूरियन में से स्मेल आ रहा है, चिली पटेटो में से स्मेल आ रहा है, मंचूरियन समझ में नहीं आ रहा है, इसमें बिल्कुल टेस्टलेस है। अगर मैं यहाँ पे नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन की बात करूँ, निर्माण विहार है, निर्माण विहार में नत्थू स्वीट्स के बिल्कुल बैक साइड में है एम फूड। आपको ट्राई करना है तो ट्राई कर सकते हैं, अगर आपने ट्राई कर लिया तो एक्सपीरियंस जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि आपका एक्सपीरियंस यहाँ का कैसा रहा। मैं बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करूँगा कि भाई आप ये 99 वाला प्लेटर ट्राई करें, बिल्कुल भी वर्थ इट नहीं है, टेस्ट ना टेस्ट है ना क्वालिटी है, बहुत बकवास है। अगर आपको पीने के लिए 99 में आ रहे हो तो आ जाओ, हेल्थ डिस्टर्ब जरूर कर लोगे यार इस प्लेटर के साथ। यार मेरे को समझ में नहीं आता इस तरह के डील निकालते क्या, अगर क्वालिटी ही दे सकते तो कितने लोग यार ऑर्डर पर कितने लोग खाते हुए यार इसे इस बर्बाद खाने को। चलिए इस प्लेटर को मैं यहीं बीच में छोड़ रहा हूँ, मेरे पहले खाया जाएगा और फिर अब नेक्स्ट स्टेशन पे चलेंगे और वहाँ का जाएगा आपको बताएंगे कि वहाँ का चाइनीज प्लेटर का एक्सपीरियंस हमारा कैसा रहा। अब टाइम भी बहुत हो गया, 10 बज गए, वो कल ही हो पाएगा। दोस्तों लास्ट में हम आ चुके हैं गोल्डन फिएस्टा पर। भाई ये लाजपत नगर में बड़े पॉपुलर है, बहुत फेमस है अपने चाइनीज प्लेटर के लिए। इनका आइटम तो चलता रहता है, आइसक्रीम मैंने देखा, आइसक्रीम भी लोग बहुत बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं यहाँ पे। इनका फूड स्लाइस है बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। फिलहाल मैं इनका चाइनीज प्लेटर ट्राई करूंगा, छोटे वाले में नूडल या राइस में से एक है ये। अच्छा ये 150 का होता है। हाँ जी, और बड़ा वाला 270, बड़ा वाला 270, और चिकन वाला 320 का, फुल वाला है हाफ 195 का। राइस देना या नूडल देना आपको? नूडल्स वाला रखा।
भैया टाइमिंग क्या रहती है यहाँ पे? टाइमिंग सर 1 बजे से 10 बजे खुल जाती है शॉप हमारी, 1 बजे से स्टार्ट हो जाएंगे सर। अच्छा अच्छा, 1 से 9:30। अच्छा ये क्या आ गया? ये मंचूरियन आ गया। मंचूरियन आ गया सर, ये चिल्ली पनीर। सही है। ये हनी चिल्ली पोटैटो है, ये सॉल्ट एंड पेपर मिक्स वेज, ये ग्रेवी है। तैयार है भैया? हाँ जी, ये अच्छा आपके बिवरेजेस भी है, स्नैक्स भी देखे, केक्स भी देखे, आइसक्रीम आपके ऐसी चलते है जितना मतलब डिमांड इतनी रहती है आइसक्रीम की? आइसक्रीम सर बहुत ज़्यादा मिलती है। अच्छा एड्रेस बताइए एक एक बार जो मेरे सर। सेंट्रल मार्केट है, J13 गोल्डन फेस्टा लाजपत नगर। सबसे पहले मैं इनका नूडल्स ट्राई करूँगा, मतलब एक तरह से ना खिचड़ी सी बना दी। अलग अलग होता है ना, होता है, हो सकता है कि ना बहुत से लोगों को इस तरह से ही पसंद आता हो। इसमें बहुत बहुत ज़्यादा नमक है, बहुत मतलब कि एक्सेस किया हुआ है नमक का। ये इनकी मंचूरियन बॉल है, बहुत हार्ड है, बना के रखते हैं कि ये पहले से। चलिए इनका मंचूरियन बॉल ट्राई करते हैं। चाइना डोर के बराबर की क्वालिटी मेरे को ना, 99 वाला तो बहुत ही बेकार था, बहुत बकवास था। और ये जो बॉल है ना, बहुत हार्ड है, बहुत हार्ड है। ये है जी इनका चिली पनीर, चिली पनीर जैसा लग ही नहीं रहा, बस एक खाना पूर्ति है। हाँ ये मैं जरूर कहूँगा जो पनीर की क्वालिटी है वो ठीक है। ये बेबी कॉर्न और ऐड करके देते हैं, ये बेबी कॉर्न की ग्रेवी में। यार आप कुछ भी खाओ, सबका टेस्ट ना आपको बिल्कुल सेम टू सेम मिलेगा। चिली पनीर भी मीठा मीठा सा है, मतलब जो चाइना डोर पे खाया था उसमें जिंजर भी थे, गार्लिक थे, अलग से फील हो रहा था एक्चुअल में कुछ क्वालिटी खा रहे हैं, मगर ये क्वालिटी मेरे को ठीक नहीं लगी। और जो नूडल्स है, नूडल्स बिल्कुल नमकीन है, ये सब पूरा एक दूसरे के साथ निपटा हुआ है, वो निपटाने वाली बात है मेरे हिसाब से। ये है जी इनका चिली पटेटो, इसमें भी बहुत नमक एक्सेस है यार। जो चाइना डोर की क्वालिटी थी बहुत बहुत बेस्ट थी, ये क्वालिटी बहुत बेकार है। 99 का तो ये है कि यार एक्चुअली ना लक्ष्मीनगर ना पूरा हॉस्टल एरिया है, वहाँ पे स्टूडेंट ज़्यादा रहते हैं, तो वो जहाँ आपको ना ज़्यादातर जो दुकानें मिलेंगी ना लक्ष्मीनगर में, वो वहाँ पे ना ज़्यादातर ऑफर वाली मिलेगी। कोई 99 में मोमोज दे रहा है ना, और कोई 99 का चाइनीज प्लेटर दे रहा है, और बहुत सारी स्कीम निकाल रखी है वहाँ पे, गली गली में खुले हुए हैं। केवल लोग वो स्टूडेंट आते हैं ना यार, वो एक्चुअली क्या देखते हैं, अफोर्डेबल हो जाए और ज़्यादा मटेरियल मिल जाए, वो क्वालिटी की तरफ ध्यान भी नहीं देते होंगे मेरे हिसाब से। अगर क्वालिटी देखेंगे तो वो बिल्कुल ट्राई भी नहीं करेंगे। 99 का बकवास था, और ये 150 का, ये भी बिल्कुल बकवास है। और इसमें चिली पटेटो और नूडल्स में तो नमक बहुत ज़्यादा है, आपको टेस्ट ही नहीं पता लगेगा नमक इतना डाला हुआ है। चलो ख़त्म करते हैं, ख़त्म क्या करेंगे, ख़त्म भी नहीं करेंगे इसे, हम छोड़ देंगे। इस वीडियो का एंड कर रहे हैं बस इस प्लेटर के साथ। और आपको वीडियो अच्छी लगे, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा, और प्लीज़ शेयर और कमेंट तो जरूर कीजिएगा।